सभी को नमस्कार। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय ए लैटिस, लैटिस पॉइंट क्या है, लैटिस स्ट्रक्चर क्या है, बेसिस क्या है, बेसिस वेक्टर क्या है, ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या हैं, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम बात करते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस की एक मिनिमम वॉल्यूम की जो एंटिटी है जिसे हम कहते हैं एकक कोष्ठिका यूनिट सेल या अभाज्य कोष्ठिका या परमिटिव सेल। बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपना, नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट सेल एंड प्रिमिटिव सेल। यूनिट सेल एवं प्रिमिटिव सेल, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका तथा अभाज्य कोष्ठिका, अभाज्य कोष्ठिका। तो देखिए डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन बेसिकली अपने हमारे पास आती है कि यूनिट सेल जो है वो किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एक मिनिमम वॉल्यूम का ऐसा एक बहुफलक है जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से, बार बार रिपीटेशन से किसी क्रिस्टल की एक्सटर्नल ज्योमेट्री जो है या उसकी ज्योमेट्री हमारे पास डिफाइन होती है, उसकी बाह्य संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, वो हमारे पास बेसिकली, जैसे मैं एग्जांपल कहूँ कि भाई ये हमने एक सपोजर थ्री डायमेंशन सेल बना दी इस तरीके से, जैसे ये एक थ्री डायमेंशन सेल बनाई हमने, इस सेल के हर कॉर्नर पे हमने एक एक एटम डिफाइन कर दिया, जैसे ये एक सेल बना दी। ठीक है, अब इसी के बीच में मैंने एक प्लेन और बना दिया, है ना, ये एक प्लेन बना दिया इस तरीके से, ये एक प्लेन आ गया, एक प्लेन मैं यहाँ बना देता हूँ इसके बीच में, तो हमारे पास एक क्लियर इसकी पिक्चर आ जाएगी कि भाई बेसिकली यूनिट सेल हमारे पास क्या होती है या यूनिट सेल को आप डिफाइन किस तरीके से करते हो। ये सेंटर पॉइंट से ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, ये कंडीशन आ गई इस तरीके से, ये हमने एक, यानी ये बेसिकली डायग्राम क्या बनाया हमने, ये हमने आठ कमरे बना दिए, है ना, ये इस तरीके से ये कंडीशन आ गई और ये हमने इस तरीके से ये डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो हम कह दें कि भाई ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम अवेलेबल है, हर कॉर्नर पर एक एक एटम अवेलेबल है। तो ये बेसिकली जो डायग्राम हमने बनाया है, इस डायग्राम को आप इस तरीके समझ सकते हो कि किसी ग्राउंड फ्लोर पे सपोज दैट चार रूम बने हुए हैं, फर्स्ट रूम आ गया, सेकंड रूम आ गया, ना इस तरीके से फर्स्ट रूम आ गया, ये इसके पास सेकंड रूम आ गया, ये थर्ड रूम आ गया और ये अपने पास चौथा कमरा आ गया। ग्राउंड फ्लोर पे चार कमरे आ गए। ठीक है, अब चार कमरे ही हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर और बना सकते हैं, तो टोटल कमरे कितने बन गए, आठ बन गए। तो 3D में, थ्री डायमेंशन में हमने बेसिकली यही डायग्राम बनाया है कि चार कमरे हमने ग्राउंड फ्लोर पे बनाए, पीछे की तरफ बनाए, और चार कमरे हमने फर्स्ट फ्लोर पे बनाए हैं। तो मैं कह दूं कि भाई सपोज दैट एक एंटिटी मैंने डिफाइन कर दी, एक एंटिटी मिनिमम यानी एक कमरा मैंने डिफाइन कर दिया, तो उस एक कमरे का बार बार रिपीटेशन, सेम साइज है, सेम लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब सेम है, उसके बार बार रिपीटेशन से मैं क्या कर सकता हूँ, आठों कमरों को बना सकता हूँ। सेम ऐसा ही क्रिस्टल लैटिस में होता है कि आप एक मिनिमम वॉल्यूम आपने डिफाइन किया और उस मिनिमम वॉल्यूम की सेल का बार बार रिपीटेशन करके आपने क्या कर दिया, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया, है ना। ये बेसिकली हमारे पास, तो ये जो सेल आ रही है, ये सेल बेसिकली हमारे पास डिफाइन करती है किसको, यूनिट सेल को। अब यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिकली यूनिट सेल है वो दो तरीके की होती है, एक तो होती है प्रिमिटिव सेल जो हमने लिखा है और एक होती है नॉन प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल वो ही सेल कहलाएगी जिसके हर कोने पर एक एक लैटिस पॉइंट अवेलेबल, हर कोने पर एक एक लैटिस पॉइंट अवेलेबल हो। जैसे मैं एग्जाम्पल कहूँ कि सपोज दैट मैंने एक टू डायमेंशन लैटिस का मैंने एग्जांपल दिया, है ना, ये मैंने कह दिया एक टू डायमेंशन लैटिस आ गया और ये लैटिस पॉइंट हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी कहा था कि लैटिस पॉइंट की बार बार रिपीटेशन से, लैटिस पॉइंट को बार बार रिपीट करके हम लैटिस स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हैं, और लैटिस स्ट्रक्चर जालक संरचना है, वो बेसिकली एक मैथमेटिकल
अज्यूम्पशन है, ठीक है। तो जैसे मैंने ये एग्जांपल बनाया कि भाई ये एक 2D लैटिस मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैंने लैटिस अभाज्य कोष्ठिका या प्रिमिटिव सेल का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि उसमें सिर्फ एक लैटिस पॉइंट या एक जालक बिंदु ही अवेलेबल हो सकता है, एक से अधिक जालक बिंदु उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन एकक कोष्ठिका में यूनिट सेल के अंदर जालक बिंदुओं की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है। जैसे हमने कहा कि भाई किसी क्रिस्टल को आप डिफाइन करोगे, किसी क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, है ना। एक तो क्या था, एक तो था लैटिस और एक उसके साथ क्या चाहिए था, बेसिस, है ना। तो एक तो था हमारे पास जालक और एक उसके साथ किसकी आवश्यकता थी, हमें आधार की आवश्यकता थी। तो आधार है बेसिकली उस सॉलिड मटेरियल के अवयवी कणों को हमने क्या कहा था, आधार कहा था, और उनकी स्थिति को व्यक्त करने वाले बिंदुओं को हमने कहा था जालक कहा था, ठीक है। तो इस टू डायमेंशन लैटिस में जैसे मैं कहूँ कि सपोज दैट मैंने इस तरीके से सेल बना दी, अगर मैं इस तरीके से सेल बनाता हूँ तो क्या ये एक अभाज्य कोष्ठिका या एक प्रिमिटिव सेल हो सकती है। प्रिमिटिव सेल का हम एग्जाम्पल, इसको एक तो हम परिभाषा कह रहे हैं कि प्रिमिटिव सेल के जो आठों कोने हैं उन आठों कोनों पर एक एक लैटिस पॉइंट अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ हम कह रहे हैं जैसे मैंने इस तरीके से सेल बनाई है तो क्या है कि ये प्रिमिटिव सेल होगी, क्योंकि दूसरी डेफिनेशन प्रिमिटिव सेल की ये थी कि एक कोष्ठिका के अंदर सिर्फ एक जालक बिंदु या एक लैटिस पॉइंट ही अवेलेबल होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक प्रिमिटिव सेल को डिनोट कर सकता है। दूसरी बात मैं कहूँ कि यही अगर दूसरी प्रिमिटिव सेल मैंने इस तरीके से ले ली, सपोज दैट, है ना, ये मैंने कह दिया लैटिस पॉइंट आ गया, लैटिस पॉइंट्स आ गए। अब यदि मैं कह दूं प्रिमिटिव सेल को आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया, तो क्या ये एक प्रिमिटिव सेल हो सकती है। प्रिमिटिव सेल यानी इसके हर कॉर्नर पे आपने एक बेसिस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या एक प्रिमिटिव सेल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि इसके बार बार रिपीटेशन से आप पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हो। तो ये एक प्रिमिटिव सेल, चार हर कोने पर चार एटम का मतलब क्या हुआ, ये चार एटम देखो इस तरीके से आ गए, ये चार लैटिस पॉइंट आ गए, चारों लैटिस पॉइंट के ऊपर चार, अब हमने क्या कर दिया, एक एक एटम को प्लेस कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि भाई इस कोष्ठिका में या इस सेल में केवल एक लैटिस पॉइंट ही अवेलेबल होना चाहिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, देखो अगर मैं ये एक सेल बना रहा हूँ तो इस एटम का सिर्फ इतना पार्ट इस सेल के अंदर होगा, बाकी पार्ट, ये वाला पार्ट अदर सेल में होगा, ये दोनों पार्ट भी अदर सेल में आएंगे, इस वाले एटम का सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, इस वाले एटम का सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, इस वाले एटम का सिर्फ ये वाला पार्ट होगा। इसका मतलब इस सेल में सिर्फ इस एटम का कितना पार्ट हुआ, सिर्फ 1/4 पार्ट ही हमारे पास इस सेल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो एक एटम अगर 2D डायमेंशन में बनाया है तो हमारे पास सिर्फ एटम का 1/4 पार्ट ही इस सेल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 1/4 इस एटम का, 1/4 प्लस 1/4 प्लस वैल्यू आ गई 1/4 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 1 के इक्वल। तो इसका मतलब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हो गए, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हो गए हमारे पास 1। यानी जालक बिंदुओं की संख्या कह दें या हम परमाणुओं की संख्या कह दें, यदि 1 आ रही है तो ये हमारे पास एक प्रिमिटिव सेल को डिनोट कर सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल लें हम, यदि सपोज दैट प्रिमिटिव सेल को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया, ये हमारे पास दोबारा सपोज दैट हमने कह दिया लैटिस स्ट्रक्चर आ गया, ये लैटिस स्ट्रक्चर आ गया। यदि मैं कह दूं कि अब प्रिमिटिव सेल को मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया इस तरीके से, तो क्या ये एक प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव सेल हमने कहा कि भाई हमारे पास एक मिनिमम वॉल्यूम हम कह सकते हैं 3D में, या एक मिनिमम एरिया हम कह दें 2D में, तो क्या ये एक प्रिमिटिव सेल को डिनोट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके बार बार रिपीटेशन से भी आप क्या कर सकते हो, पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण कर सकते हो, बना सकते हैं पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को। तो ये भी हमारे पास किसको मेंशन करेगा, ये भी हमारे पास एक प्रिमिटिव सेल को ही मेंशन करेगा। उसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि चार एटम इन चारों कोनों पर अवेलेबल हैं, तो हर एटम का सिर्फ 1/4 पार्ट जो है वो ही हमारे पास इस सेल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है वो हमारे पास कितने हो गए,
एक हो गया। तो अभाज्य कोष्ठिका या परमिटिव सेल की सबसे बड़ी स्पेशलिटी हमारे पास क्या आ गई कि उसमें परमाणुओं की संख्या या जालक बिंदुओं की संख्या हमेशा कितनी होगी, एक होगी। दूसरी बात कि जो भी आपने कोष्ठिका बनाई या जो भी सेल आपने बनाए हैं उसके हर कोने पर एक एक एटम अवेलेबल होना चाहिए। अब यदि मैं कह दूं कि सपोज दैट सेल मैंने इस तरीके से बना दी, अगर एक नया एग्जांपल और ले लें हम कि सपोज दैट ये इस तरीके से हमने लैटिस पॉइंट बना दिया, ये लैटिस पॉइंट्स आ गए। अब यदि सपोज दैट सेल मैंने इस तरीके से बना दी, है ना, ये सेल मैंने बना दी इस तरीके से कि ये सेल है, ये सेल है, तो क्या ये एक प्रिमिटिव सेल हो सकती है? ये एक प्रिमिटिव सेल, देखो आप क्या हमने इस तरीके से बनाया, हमने कहा कि भाई एक एटम है वो इस कॉर्नर पर अवेलेबल है, एक एटम है वो यहाँ अवेलेबल है, एक एटम यहाँ अवेलेबल है, यानी इस तरीके से एटम्स का अरेंजमेंट है। तो इस एटम का कितना पार्ट, वन बाई सिर्फ ये पार्ट इस सेल में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, इस एटम का सिर्फ ये वाला पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, सभी एटम्स का देखो इस सेल में सिर्फ इतना पार्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब इस एटम का कितना पार्ट हुआ, 1/4, इस एटम का 1/4, इस एटम के लिए 1/4 और इस एटम के लिए भी 1/4, इस एटम के लिए कितना हुआ 1/2, इस एटम के लिए 1/2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए, 4 × 1/4, ठीक है। इसी तरीके से वैल्यू आ गई 2 × 1/2, इसका मतलब 1 + 1 = 2, दैट मीन्स इस सेल में जो हमने 2D सेल बनाई है, इस सेल में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट या नंबर ऑफ एटम्स की जो संख्या होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 2 होगी। इसलिए ये एक प्रिमिटिव सेल को डिनोट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रिमिटिव सेल के लिए एसेंशियल कंडीशन है कि उसमें जालक बिंदुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, जालक बिंदुओं की संख्या एक होनी चाहिए, परमाणुओं की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। इसका मतलब प्रिमिटिव सेल में जालक बिंदुओं की जितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जालक बिंदुओं की संख्या बराबर होगी किसके, आधार की संख्या के बराबर, मतलब एक ही लैटिस पॉइंट होना चाहिए और एक ही एटम उसके साथ होना चाहिए आधार की संख्या। दैट मीन्स डेफिनेशन आ गई, नई अपने पास डेफिनेशन निकल के आ गई कि नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जो है, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हैं वो बराबर होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ बेसिस के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन आ गई किसकी, प्रिमिटिव सेल की या अभाज्य कोष्ठिका की। किसी अभाज्य कोष्ठिका अगर 3D में हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम यदि हम कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं किससे, ए आ गया, डॉट वैल्यू आ गई, बी आ गया और क्रॉस वैल्यू आ गई, सी आ गया। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था ए बी सी क्या कहलाते हैं, प्रिमिटिव वेक्टर्स कहलाते हैं या बेसिस वेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन आ गई। दूसरी बात, प्रिमिटिव सेल है, अगर प्रिमिटिव सेल है, प्रिमिटिव सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स हमेशा कितने होंगे, एक होगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ एटम्स के बाद नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स भी हमारे पास कितने होंगे, एक ही होगा। इसका मतलब नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट बराबर होगा किसके, नंबर ऑफ एटम्स के या नंबर ऑफ बेसिस के, है ना। इसी तरीके से हमने कहा कि यूनिट सेल है, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, या तो एक से ज़्यादा होंगे या एक के बराबर होंगे। तो इसका मतलब कुछ अभाज्य कोष्ठिकाएं एकक कोष्ठिकाएं हो सकती हैं, लेकिन सभी एकक कोष्ठिकाएं हैं वो अभाज्य कोष्ठिकाएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम अगर 1 है तो एकक कोष्ठिका कह दें या अभाज्य कोष्ठिका कह दें, हमारे पास सिमिलर हैं दोनों। लेकिन यदि नंबर ऑफ एटम्स किसी पर्टिकुलर सेल में अगर एक से ज़्यादा हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसके लिए यूनिट सेल कहलाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बेसिक डिफरेंस आ गया किसके लिए, यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल के लिए। तो जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।